मैथ्स में निकल के दोस्तों मदद करना सीखिए, फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर जिंदगी जीना सीखिए, दिखावे के बगैर। और हाँ, मैथ्स में निकल पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। इतना ही नहीं दोस्तों, खाओ बहुत गहरा था पर दिखता नहीं था, दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता नहीं था। बाद में सब कहते तो है ही कि हमसे कह सकते थे, पर दोस्तों विश्वास कीजिए जब जब कहना चाहा कोई सुनता नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल के इन्फो सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं कि भारत भी स्पेस की दुनिया में किसी भी देश से पीछे नहीं है। तो मैथ्स मिरेकल के दोस्तों आइए ये पूरा मामला समझते हुए चलते हैं। हुआ यूं कि भारत स्पेस की दुनिया में किसी भी देश से पीछे नहीं रहना चाहता। भारत का स्पेस मिशन पर खर्च होने वाला बजट पहले ही दुनिया के दिग्गज देशों से कम हो, लेकिन अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी किसी से कम नहीं है। चंद्रयान और मंगलयान की कामयाबी के बाद अब भारत शुक्र मिशन की तैयारी में लग चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर 19 महीने में केवल एक बार ही ऐसा मौका आता है जब शुक्र ग्रह पर कोई भी मिशन भेजने के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि तब शुक्र ग्रह हमारे पृथ्वी से बहुत ही करीब होता है। वही पृथ्वी जैसी कई सारी समानताएं होने के नाते शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लेकिन अगर उस दिन से पहले तैयारियां नहीं होती तो फिर वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह में मिशन भेजने के लिए और अगले 19 महीनों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन भारत के पास अभी अपने शुक्र मिशन की तैयारी के लिए लंबा समय है, क्योंकि भारत का शुक्र मिशन 2024 के बाद लॉन्च किया जाएगा। हालांकि भारत के इस मिशन को शुक्रयान का नाम दिया गया है, लेकिन भारत के शुक्रयान मिशन में एक बड़ी खबर सामने आई है और मैथ्स मिरेकल के दोस्तों यही खबर बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि स्वीडन भी भारत के शुक्रयान मिशन में सहायता करेगा। दरअसल यूरोपियन स्पेस एजेंसी बहुत पहले ही शुक्र ग्रह पर अपना मिशन लॉन्च कर चुका है और यूरोपीय यूनियन का एक मुख्य देश होने के नाते स्वीडन भी इस मिशन का हिस्सा रह चुका है। हालांकि मजेदार बात यह है कि स्वीडन ने लगातार भारत को अपने ग्रिपेन लड़ाकू जहाज भेजने के लिए कई सारे प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन भारत ने स्वीडन के कोई भी प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसे में देखा जाए तो भारत ने स्वीडन को रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा झटका दिया है। लेकिन अब यही स्वीडन भारत के शुक्रयान मिशन से जुड़े जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाएगा। हालांकि भारत के ऐतिहासिक मिशन के लिए रूस, जर्मनी और फ्रांस ने भी सहयोग देने का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अंतरिक्ष के अंदर भी अपने अधिकार को लेकर प्रतिद्वंदिता बहुत बढ़ने वाली है और भारत भी इस प्रतिद्वंदिता में दुनिया को कर देने के लिए तैयार बैठा है। तो मैथ्स मिरेकल के दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट के थ्रू, अपने मैसेज के थ्रू जरूर बताएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।